अपना राजवे और आज आपके सामने अपाची आरडीआर 310 मोडिफिकेशन दिखाऊंगा। इसके अंदर काफ़ी नीडफुल मोडिफिकेशन जो उसके अंदर की गई है, जो भी ये बाइक लेता है उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये सब कुछ लगाना जो इसमें लगा है। स्टार्ट करता हूँ नीचे से, ये देख सकते हैं इसमें लगे हुए हैं इसके अंदर शॉक प्रोटेक्शन और फॉक्स लैडर। इसका जो बेसिक यूज़ है वो आपका ये होता है कि जो मरगाड ये सेफ हो जाता है, साथ में आपका USG शॉकर ये सेफ होता है और इससे नीचे का पोर्शन सेफ हो जाता है। और इधर आपको देखेंगे तो इधर आपकी सेफ हो जाती है ये ABS प्लेट और इधर डिस्प्ले, ये इसको करता है पूरा सेफ। और इधर सेम वही हो गया USD शॉकर और मरगार्ड, ये हो गया पूरा सेफ। तो फुल्ली सेफ्टी वाला फीचर से लगा दिया गया इसके अंदर। और इधर कुछ देखने में लगेगी इसकी रेडिएटर गार्ड, जिससे आपका रेडिएटर होता है पूरी तरीके से, क्योंकि रेडिएटर एक सेंसिटिव पार्ट होता है और अगर इसमें कुछ भी लगता है तो रेडिएटर ख़राब हो जाता है, डैमेज होने का खतरा होता है। तो इसे लगाने के बाद वो आपका खतरा हो जाता है बिल्कुल ख़त्म। और ऊपर देखेंगे ऊपर मिलेगा आपको लीवर गार्ड, जो कुछ देख लो इस तरह में कार्बन ब्लैक, जैसे एक बार गाड़ी गिर चुकी है तो खाली लीवर गार्ड टूटा था, ये चेंज हो गया बट लीवर हो गया पूरी तरह सेफ। बाकी भैया से इंटरव्यू बात पूछ लूँगा। ये देख सकते हैं आप, ये लगा दिया गया इधर सेम आपको इस तरह मिलेगा, इससे भी आपका लीवर सेफ हो गया और आपके हैंड भी होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। और साथ में आपको देखने मिलेगी इसके अंदर, देख सकते हैं ये इसका ऑल कंट्रोल लगा दिया गया। चाबी ऑन करते ही इसके अंदर कोई लाइटिंग होती है जो दिखने में रेड कलर की लाइटिंग लगा रखी है। नॉर्मली आप चाहो तो बिना लाइटिंग के भी लगा सकते हो इसको, जस्ट फॉर लुकिंग नॉट फॉर यूज़ है, यूजिंग वाले आइटम नहीं है, लुकिंग वाली आइटम है जो इसके अंदर लगी हुई है। इधर आपको देखने मिलेगा क्रैश गार्ड, जो कि मिलता है बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का क्रैश गार्ड, ये इसके अंदर देखने मिल जाता है कुछ इस तरीके से। और स्लाइडर देख सकते हैं सिंगल स्लाइडर वाला है, आपने वैसे हमारी वीडियोस के अंदर ज़्यादातर देखो डबल स्लाइडर वाला, बट वो क्या है RR310 पर ज़्यादा चलता है। इसके अंदर ये वाला प्रॉपर है जो आप देख सकते हैं RTR का, क्योंकि फिटमेंट वही सेम है बट क्या है क्वालिटी का और डिफरेंस हो जाता है। ये आपका इसके अकॉर्डिंग बना दिया है और फिटमेंट और चेकआउट करा दूँ कैसे होते देख सकते हैं। ये आपको फ्रंट से एक मिल गई, इधर दूसरी मिल गई, ठीक है ना, आप देख सकते हो प्रॉपर फिटिंग है और एक आपकी होगी रॉड कनेक्टेड। तो ये आपकी फिटमेंट आपने चेकआउट करी ली, लुक आपने देखी ली किस तरीके की आती है। जब भी गाड़ी गिरती है ना तो स्लाइडर्स आपका पूरा पूरा प्रोटेक्शन देता है आपके पैरों को, इसके TPFC को, साथ में टैंक्स को, फुली प्रोटेक्शन हो जाती है आपकी बाइक सेम इस तरफ से। और सेम मिलती है प्रोटेक्शन आपको इस तरफ से, देख सकते हैं लुकिंग आपको सेम मिलेगी, फिटमेंट आपको वही मिलेगी सेम जो मैं दिखा रहा हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं जुगाड़ करके लगाए, जुगाड़ से आपकी बाइक को हार्म पहुँचता है, आपको प्रॉब्लम होती है, तो उसे ऐसा काम ना कराएं, जब भी करें प्रॉपर कराएं। इधर आपको देखने मिलेगा टैंक पैड लुक कुछ इस तरीके कार्बन के, कार्बन फिनिश के अंदर देखने मिल जाती है, इससे जितने भी टैंक पे निशान होते हैं ना वो होने से बच जाते हैं, क्योंकि जो बेल्ट होती है ना ये राइडिंग वाली बाइक से तो ये तो नहीं 10-20 की स्पीड चलाएगा, 100, 125, 150 की स्पीड चलती है, तो लीन होकर चलानी पड़ती है। तो उसमें क्या होता है यहाँ पर बेल्ट के निशान आया था, उसको बचाने के लिए लगा देगा इसमें टैंक पैड। इधर आपको मिलता है कुशनिंग वाला कवर, कुशनिंग विद कवर जो कि इसके अंदर देखने मिलेगा आपको इस तरीके से, ये इसके अंदर लगा दिया गया है, जिससे काफ़ी ज़्यादा इसकी लुक भी इनहेंस हो जाती है। साथ में ना सबसे बड़ा फायदा ये होता है कंफर्ट राइड हो जाती है इसे लगाने के बाद। इधर आपको मिलता है साइलेंसर स्लाइडर, जिससे साइलेंसर सेफ हो जाता है। और इधर मिलता है आपको प्रॉपर फिटिंग वाला आपको टॉप रैक, जो कि मिलता है आपको आपकी अपनी RTR के लिए ही, ये आपकी अपनी RTR के लिए प्रॉपर फिटमेंट है इसकी भी, कुछ जुगाड़ नहीं, कोई अल्ट्रेशन। और देख सकते हैं अल्टीमेट फिनिशिंग है इसकी, और भाई साहब फिटिंग काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, और इस पर मिनिमम 100 kg आप वेट रख सकते हो इजीली, टॉप बॉक्स के अलावा भी 100 kg वेट रख सकते हो इसमें। बहुत ही हैवी क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का लगा देगा इसके अंदर टॉप रैक। लुक आपने चेकआउट करी ली ऑल ओवर बाइक की कैसी होती है। और अब इसके बाद मैं मिलाता हूँ जिनकी ये बाइक है उन भैया से कि उनको हमारा काम कैसा लगता है, क्योंकि भैया जब भी आते हैं कुछ ना कुछ न्यू काम कराते हैं इसके अंदर। तो आइए भैया, तो कैसे हैं मिस्टर चंदू जी? बहुत बढ़िया सर। वैसे चंदू को बता दो क्या मोटिव है ना, मेरा नाम वैसे तो चंद्रपाल है, सो फ्रेंड ने कहा कि चंदू शॉर्ट सही रहेगा तो नाम ही डाल देते दा चंदू राइडर के नाम से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। किस चीज़ में आपके मतलब राइडिंग का? मेरा मतलब मेन मोटिव है कि लोगों को एक्सप्लोर करना, जो फेमस प्लेस होती है जिसे हम कहीं भी जा रहे हैं जगह के बारे में बताना, उनको वहाँ की नॉलेज देना, ताकि कल के डेट में अगर आप लोग भी जाते हैं तो आप भी वहाँ घूम सके। और पहले सर्च मारते हैं लोग यूट्यूब पे, देखते हैं कि कौन सी जगह जा रहे हैं जाना है और कौन सा ज़्यादा मतलब अच्छा है, तो इस तरीके से मैं एक्सप्लोर करता हूँ और राइडिंग वगैरह के भी डालता हूँ जो हम राइडिंग वगैरह करते हैं। ज्वाइन कर रहा हूँ भाई को, ज्वाइन कर लेना। एक बार नाम बताओ दोबारा से अपना। चैनल का नाम है द चंदू राइडर।
आप यूट्यूब पे डालेंगे द चंदू राइडर, सो आपको ऊपर में ही मिल जाएगा। चलिए आप बताइए आप कहाँ से हैं और आप कैसे, आपको लगता है हमारा काम, हमारा व्यूअर सब कुछ ऑल अबाउट। मैं यहीं दिल्ली से हूँ, NCR महिपालपुर IG एयरपोर्ट के जस्ट सामने रहता हूँ। सो यहाँ पे मैं आता रहता हूँ, काफ़ी बार आया हूँ और मतलब काफ़ी अच्छा लगता है मिलके, काफ़ी इज्जत से बात करते हैं और काम भी एक नंबर करते हैं। अगर ख़राब होता है दोबारा करवा सकते हैं आप आके, तो काम इनका बहुत अच्छा है और नॉर्मल प्राइस में करते हैं, ज़्यादा हाई प्राइस भी नहीं है। तो आप आ सकते हैं SKD मॉडिफिकेशन एसेसरीज। सो राजू भाई SKD पूरा नाम जो है वो राजू भाई SKD, यही मिलेगा आपको यूट्यूब पर, यही मिलेगा इंस्टाग्राम पर और यही मिलेगा मेरी शॉप पर। मिलने के आने के लिए कोई और भाई आना चाहे तो उसके लिए बता दो क्या क्या रिकमेंडेशन रहेगी आपकी ऑल इंडिया से। अगर जिसको भी आना है तो आ सकता है, आपको लोकेशन मिल जाएगी। तो यूट्यूब पे लोकेशन डालते रहते हैं सर, तो आप लोकेशन के थ्रू आ सकते हैं करोल बाग मार्केट के अंदर। जैसे आप एंट्री मारेंगे आपको पहले ही दुकान लेने की मिलेगी। चलो थैंक यू सो मच। तो भैया का इंटरव्यू आपने देख लिया, बाइक आपने देखी ली और अब आपको आना कहाँ है ये मैं दोबारा से बताया, तो वैसे तो पता होता है आप लोगों को क्योंकि डिस्क्रिप्शन बहुत से लोग चेक नहीं करते हैं, तो उनके लिए हमने स्क्रीन पर नंबर भी चला रखा है। आप चाहो तो वहाँ से कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सअप करके आप लोकेशन मंगा सकते हो। और वैसे हमारी इजी लोकेशन है जो कि मिलती है आपको गोल चक्कर हनुमान जी की मूर्ति जनरल मेट्रो स्टेशन के अपोजिट, वहाँ से सीधा स्ट्रेट आना आपको मार्केट के लिए जो कि 100 मीटर की रेंज में है। पहले चौक पर, फर्स्ट चौक पर ही आगे हमारी शॉप मिलेगी जो कि राजू भाई की शॉप है, उस पर भी आपने देखने हनुमान जी की मूर्ति जो कि आपको मिलेगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मेरी शॉप की जस्ट अपोजिट से हनुमान जी की मूर्ति दिखती है। एक हनुमान जी की तो मेरी शॉप पर होगी, तो समझ लो आपको आना का राजू भाई की शॉप होगा, ऑटोमेटिक दिख जाएगी जब भी आप आएंगे हनुमान जी की मूर्ति के अकॉर्डिंग, क्योंकि बालाजी महाराज की शॉप है तो इसीलिए उन्हीं की फोटो लगी होगी। तो वीडियो अच्छी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। राजू भाई SKD को मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो, जब तक जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।